हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जिसके आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो सबसे पहले विष्णु भाई हाय कैसे हो, उसके बाद राहुल भाई कैसे हो, उसके बाद भाई आज की जो वीडियो है, उसके बाद जिन्होंने मुझे टिकटॉक पर मुझे फॉलो किया है बहुत बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद। रिक्वेस्ट है अगर जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं, टिकटॉक की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप टिकटॉक पे जाके स्विमिंग बाय मनी मारोगे सर्च तो भी मेरी टिकटॉक आईडी आ जाएगी, ठीक है, शुक्रिया। तो आज जो डांस हो रहा है, जैसे इधर डांस हो रहा है, यहाँ जहाँ डांस हो रहा है वो कवर करने वाला हूँ। एक जहाँ हो रहा है, एक हरियाणा कल्चर में हो रहा है, इधर जो हो रहा है ये हैदराबादी पता नहीं मद्रासी पता नहीं ऐसा कुछ है, जो भी है आपको डांस दिखाने वाला हूँ। और दूसरी बात, 562 नंबर शॉप है जिसमें सनी भाई है, उसका कुछ पता नहीं क्या वो स्लोक सुनाते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब कि 5 मिनट का कुछ होता है, कोशिश करेंगे कि वो भी कवर कर ले। उसका कमेंट आया था, किसी ने कमेंट किया था कि वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, पता नहीं योगा का है, पता नहीं, आई डोंट नो। 562 नंबर शॉप पे हम जाके देख लेंगे। और यहाँ स्कूल भी आए हुए हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ही है, जैसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो यार। क्या हुआ, कल मैंने वीडियो अपलोड की, 3 वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें लाइक कम आए थे, तो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है बंदा कि हाँ भाई वीडियो बना नहीं आया, मजबूरी अपन की, अब तो हो ही नहीं, अब तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा, या फिर कम, मतलब कि थोड़ा हो जाता ना कि एक होता ना कि अच्छे लाइक आते हैं तो बंदा दिल से वीडियो बनाता है, बढ़िया कोशिश करता है कि आपको बढ़िया से बढ़िया, मेहनत अच्छी करता है, तो जब ना उसको थोड़ा सा मोटिवेट ना मिले तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आप मेरा पीछे का वेदर देख सकते हो इधर का, और ये बोल रहे हैं सर हम भी आएंगे, तो पीछे से ये आ रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं दूर से, हाय हाय नहीं हाय हाय कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बैग चल रहा हूँ, और बैग में मैं अगर गिर गया तो अभी ये पीछे है, ठीक है, और ये भाई पीछे है। भाई तुम इधर कहाँ से आए, इधर से आए या उधर से कूद के आए? अच्छा ये इधर से आए, मैं इधर से कूद के आए, इधर टेंट लगा हुआ था, भाई कहता भाई पीछे हम भी आएंगे, मैं क्या आ जाओ पीछे। तो फ्रेंड्स इधर मैं आपको स्कूल दिखा देता हूँ, जो स्कूल भी आए हुए हैं उनकी अभी ट्रीट चल रही है, ये देख सकते हो, ये खा रहे हैं पैटी, स्मूथा पैटी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, आई डोंट नो क्या खा रहे हैं, ठीक है। ये स्कूल है, ठीक है, यहाँ स्कूल बहुत घूमने आते हैं, और यहाँ का वेदर कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे गाने होंगे, वहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे, तो ये चेक कर सकते हो, ये 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 आप चेक कर सकते हो, ये 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 ये। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मंत्र, ठीक है, यहाँ रथ है हरियाणा में, तो चलो अभी यहाँ पे जो चल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ एक चीज़ और बतानी थी, जैसे कि क्या हुआ कि यहाँ पे मैं कैमरा भाई पीछे वाला चल रहा था, तो फ्रेंड्स तो जहाँ पे मतलब कि जैसे कि किसी को, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे शॉप्स की वीडियो बनाता हूँ, कहीं को बेनिफिट होता है तो वो एक आदर करते हैं, एक सम्मान करते हैं कि हाँ भाई इनकी वजह से बेनिफिट हुआ है, हम इनके मतलब कि यहाँ बेनिफिट होता है तो वो सम्मान करते हैं। कल मैं पकोड़े खाने गया था, तो कल का सीन ये हुआ था, भैया कह रहे थे अगर तूने पैसे देने हैं तो मैं पकोड़े नहीं देने, तो एक मतलब कि ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता कि हाँ भाई वो पेमेंट नहीं ले रहे, और पर वो उनका फ़र्ज है, पैसे देना मेरा फ़र्ज है, पर ये एक इज्जत होती है जो वो कर रहे हैं इस वेले मेरी, या फिर मुझे मेरी वजह से उनको बेनिफिट हो रहा है, तो अगर किसी को मेरी वजह से बेनिफिट हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है दिल से, ठीक है। और मेरा जो अपना ओपिनियन था वो मैंने बता दिया, और ये हैदराबादी है जो भी है, हैदराबादी जो भी है, तो मैं यहाँ पे अभी ये स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे डांस हो रहे थे, अभी डांस हो रहा था, अभी बंद हो गया, तो अभी मैं वही दिखाने वाला हूँ। पीछे प्रेस रिपोर्टर चल रहे हैं, और ये रिपोर्ट कौन सी है मुझे नहीं पता, मैं दिखा देता हूँ। मैं अकेला ही नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी ये देख सकते हो यहाँ कल्चर लगा, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ठीक है। और ये है कल्चर कौन सा है ये आपको मैं दूर से दिखा दूँगा, ठीक है। क्या होता है कि जब वीडियो बनाते हैं कोई डिस्टर्ब करता है, कहीं उनको बहुत गुस्सा आता है, वैसे काम ये उनका पर्सनली एक काम होता है, तो उनको हम नहीं डिस्टर्ब कर सकते, ठीक है। तो ये इनका अपना ओपिनियन चल रहा है, हम इनको बिना डिस्टर्ब किए हम आगे जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये एकदम उसके यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो कल्चर लगा हुआ है ये वहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे आपको हरियाणवी कल्चर देखने को मिलेगा उसके एकदम सामने, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डांस भी दिखाना है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। ये यहाँ पे ये क्या है, पर्दे है, पता नहीं क्या है, ये कंबल रजाइयाँ हैं, या चौपड़ियाँ अपने बना रखे हैं, चिड़ियों के लिए बना रखे हैं आई थिंक, ठीक है। ओए ये इधर पायदान है, ठीक है। तो इधर सामने डांस हो रहा है, ठीक है, यहाँ शिप्स बना रहे थे, शिप बना रहे थे, शिप पता नहीं क्या बना रहे थे, ठीक है। अभी मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हरियाणवी मैं भूल गया, तो यहाँ एंट्री के लिए तो बहुत जानवर बना रखे हैं, ठीक है। ये देखो एंट्री के लिए कुछ ऐसा बना रखा है उन्होंने कि थोड़ा दूर हो जाए एंट्री के लिए कुछ ऐसा। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे हरियाणवी विलेज है,
पिछली बार हरियाणवी दर्शन थे। और हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पकौड़ों की शक्ल अच्छी नहीं है पर टेस्ट है गया, बहुत टेस्टी है। ठीक है, तो ये भाई कह रहा है कि हमारी भी बना ले, भाई आ गया पीछे। ठीक है, और इधर मंगलजान, मंगलजान दिखाते हैं आपको, नहीं चंद्र, यहाँ पे बना रखा है वो सारा सिस्टम, ये जो चंद्रयान था, चंद्रयान मिशन वाला सारा सिस्टम बना रखा है, ये भाई भी शूट कर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो चंद्रयान, अगर आपने देखना है ये एकदम जहाँ पे हरियाणवी लगा हुआ है ना, हरियाणवी विलेज लगा हुआ है उसके एकदम सामने, ये दिखाया हुआ कि वो कैसा बना था, लुक वाइज कैसा था, ये सारी हिस्ट्री मैं ऊपर से दिखाऊंगा आपको। ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा था देखने को। ठीक है, पर साइज में बड़ा होगा या इतना होगा पता नहीं, साइज में तो बड़ा ही होगा। ये आप देख सकते हो कि फ़ोटो खींच में, ठीक है मुझे भी फ़ोटो खिंचानी चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, बाकी ये इसकी सारी स्टोरी बताई हुई है कि ये क्या है, बल्कि बाकी तो आपको पता ही ऑनलाइन। ठीक है, ये चेक कर सकते हो, ये बता सकते हो सोलर सिस्टम पैनल। ठीक है, हाँ जी, ये चंद्रयान का एक सैंपल बना के रखा हुआ है। ठीक है, बाकी ये मैटर बता रहे हैं कि क्या मैटर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी पता कर लेते हैं, ये क्या सिस्टम है, क्या है, आपको दिखा देता हूँ। भैया वो कैमरा चल रहा था, मैंने देखा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये इसके यहाँ से एंट्री है, एग्जिट बाहर, बल्कि आप तीन गेट है, यहाँ कहीं से भी एंट्री कर सकते हो। अब मैं जो दिखाने वाला, वो डांस दिखाने वाला, वो परली साइड डांस चल रहे थे, वो एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा, इधर हो नहीं रहा था। इधर चको, ये स्कूली डांस को ही कह रहा था कि हमें देखने हैं, हम स्कूली डांस के लिए स्पेशल जाएंगे। ठीक है, उधर हरियाणवी कल्चर पूरा चल रहा है, एकदम डांस वाला हरियाणवी कल्चर चल रहा है। इनको पता नहीं क्या हुआ, बीच में आपने साउंड देखा होगा, तो इन्होंने बहुत मतलब भयानक सा साउंड लगाया। ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये लगा रहता है मेले, ये थाली में बैठी हुई है लड़की, और छोटी सी लड़की है। ठीक है, जो देखो पहले जहर वाला चेक करो। ठीक है, ये वहीं पे लगा हुआ है, बैलेंस का कॉम्बिनेशन देखो कितना बढ़िया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्योंकि इधर गाने भी लगे हुए हैं। तो क्या उधर वो खुद गा रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। उधर हरियाणा भी चल रहा है और भंगड़ा भी चल रहा है। चेक कर लो, ये साथ के साथ जा भी रहे हैं, और जहाँ डांस भी चल रहा है स्कूली डांस भी यहीं पे हो गई। ठीक है, ऑडियंस में आपको दिखा देता हूँ। ये हरियाणवी कल्चर चल रहा है और यहाँ स्क्रीन भी लगी हुई है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे से दिखा देता हूँ आगे से कैसा लग रहा है ये मैटर। आगे जा रहे हैं, ठीक है, आगे मैंने बीच में रोक दी थी क्योंकि भीड़ में थी, तो यहाँ पे चल रहा है डांस। ठीक है, देख लो भैया, देखना जी, ऐटे शौकी ने हो प्या क्यों नहीं कर पाया, बारी बसी कर गए पूरा। अब मना माफ करो, टाइम हो गया पूरा, वे हुण सानू माफ करो, टाइम हो गया पूरा, वे हुण सानू माफ करो, टाइम हो गया पूरा, वे हुण सानू माफ करो। क्या बात, आपका प्यार जो इतना मिला, इतनी दुआएं मिली है बुजुर्गों की, एक बार अपने आप के नाम पर जोरदार तारीफ मार लीजिए, क्योंकि आपके नजर करम ने बहुत कुछ सिखा दिया, मेरी विराट जिंदगी को जैसे हंसा दिया। शुक्र गुजार हूँ उस खुदा का जिसने मुझे आप जैसे श्रोताओं से मिला दिया। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू।
स्कूली डांस भी यहाँ पे होना है और यहाँ पे मोस्टली कल्चरली जो डांस है वो सारे यहाँ होने हैं। बाकी उधर भी स्टेज लगे हुए, आपको वो भी आके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो पीछे कितनी भीड़ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचे करके ये देख सकते हो आप पीछे कितनी भीड़ है। बैग में पूरा मतलब एकदम ऑडियंस मतलब की जनता सारी देखने वाली आई हुई है, ठीक है। अभी ये मैं यहाँ मेरे बैक साइड में काफी भीड़ है। पंजाब के संगीत तो के साथ एक हरियाणा का गीत मुझे याद आ गया, पंजाब के संगीत के साथ हरियाणा गीत जो आपको सुनी रहा होगा। किस तरह से अभी हरियाणा में चले बड़ा, अगर गाना चला बैक साइड में मैं बंद कर दूंगा। अगर इन्होंने खुद सिंग करके वो किया डांस दिखाऊंगा आपको, तो थोड़ा डांस दिखाई दूंगा, टेंशन ना लो। तो चलो आगे दिखाता हूँ। ये भाभी मेरी चार एक तें एक निराली, डांस भी साथ में चलेगा। भाभी मेरी चार एक तें एक निराली, के भाभी मेरी चार एक तें, हरियाणवी डांस करेंगे इसमें पंजाबी भी। चार एक तें एक निराली, भाभी मेरी चार एक तें एक निराली, एक लंबी एक ठिगड़ी रे लोगो, एक गोरी एक काली, एक तें एक निराली, एक तें एक निराली, एक तें एक निराली। तो फ्रेंड्स हरियाणवी कल्चर ये सारा यहाँ पे है, ठीक है। अगर आपने कुछ हरियाणवी खाना है वो भी खाने को मिल जाएगा, ठीक है। लंबी लंबी भाभी मेरी सेब जई का खंबा, बिजली आले ठाके ले गए भाई करे अचंबर, खूगी मेरी लुगाई, खूगी मेरी लुगाई, खूगी मेरी लुगाई। भाभी ठुमक ठुमक चले ठुमक ठुमक, भाभी ठुमक ठुमक चले ठुमक ठुमक, चलते हैं अब आगे, आपको थोड़ा कल्चर भी दिखा देते हैं। ये आयोग का आपको अच्छा लगा होगा, चलो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देखते हो दूर दूर खड़े होकर भी देख रहे हैं, ठीक है। और कई जने जो है, जो कल मैंने आपको दिखाया था कि पगड़ी बांधने के 100 रुपये है और अगर आपने लेके जानी तो 300 रुपये, वहाँ के रेट का डिस्काउंट, पगड़ी बंधवाने के 50 रुपये हो गए हैं और अगर आपने लेके जानी है तो 300 ही है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो सिर्फ बताने के पगड़ी बनवाई जा रही है, ठीक है, कि शौक शौक से बनवा रहे हैं, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। ये भाई बांध रहा है, ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आप चेक कर सकते हो कि अभी ये भैया पगड़ी बांधेंगे, हरियाणवी पगड़ी बांधेंगे। और आपको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने बनवानी है वो सारी पगड़ियाँ दिखाई हुई हैं, ठीक है, कैसे बांधेंगे कैसे नहीं बांधेंगे, ठीक है। ये भाई, और ये दिखाई देता हूँ आपको, जो भाई पीछे भी बांध रहे हैं आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी इधर स्टार्ट किया, देखना भैया। तो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ अच्छे से, जिसके कारण आपको बढ़िया लगेगी, ठीक है, देखना। देख सकते हो फ्रेंड्स ये अभी बांध रहे हैं, जैसे भाई ने आपने बांध दिया ऐसे ही बांध के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आप भाई पीछे भी बांध रहे, आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हो, ये बांध रहे हैं पगड़ियाँ, ठीक है। और काफ़ी जने बनवा रहे हैं, उनका डिज़ाइन अलग है, इनका डिज़ाइन अलग है और इनका डिज़ाइन अलग होगा, ठीक है। ये डिज़ाइन, अरे छोटे से लड़के भी बांधी हुई है, ये आप देख सकते हो, छोटे के बांधी। अगर आपने लेके जानी है तो ये मेरे ख्याल से 300 की है, अगर आपने सिर्फ बंधवानी बनवानी है तो ये है 50 रुपये, ठीक है। तो ये देख सकते हो बहुत जल्दी बदल, 2-3 मिनट लगते हैं बनवाने, 3 मिनट भी ज़्यादा बोलते हैं, 1 मिनट में बनवाई जाती है, ठीक है। ये पूरे एकदम सेट करके बांधते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ये इन्होंने बांध दी है और ये सेट लास्ट की टचिंग चल रही है और ये होगी ये बांध दी है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ शीशे में कैसे लगते हैं, ठीक है। इधर इधर भी बना दो, तो ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो बहुत बढ़िया बना दी इन्होंने, ठीक है। ये भाई ने बनवा दी, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। पगड़ी का आपको सीन लगा, ये देख सकते हो कई जनों ने बनवा रखी है, ठीक है। बाकी ये सारा एरिया मैंने दिखा दिया है,
बाकी मेन तो यही था कि हरियाणवी में आपको अगर दिखानी है तो वो चीज़ दिखानी है। अब मैं आपको दूसरा डांस दिखा देता हूँ, कहाँ होता है डांस, कहाँ कहाँ चल रहा है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ए टू जेड दिखा दूंगा कहाँ डांस कहाँ कहाँ चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज की डेट में, ठीक है। और बस वही दिखाने वाला हूँ कि डांस कहाँ कहाँ चल रहा है, बाकी शॉप भी कवर करनी है, टेंशन वाले शॉप भी कवर करेंगे। और आज ये काफ़ी हद तक मुल्की हो गया, आज मुझे अब समझ में आया कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि ऐसा इसलिए किया था अगर ये जहाँ ज़्यादा लगा देते तो ऑडियंस देखने वाली को थोड़ी दिक्कत होती, कहीं घूम रहे होते कहीं खड़े होते देख रहे होते, तो बेस्ट है लाइक कर दो मेरी वीडियो में, मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। और ओवरऑल हम आगे जा रहे हैं और आपको डांस दिखाऊंगा, डांस तीन चार जगह पे हो रहे हैं, एक तो प्रदर्शनियाँ यहाँ पे थड़े के ऊपर हो रही है जो मैंने पहले दिखाई है जिसमें भंगड़ा भुंगड़ा हो गया, और यहाँ पे सिंगिंग के साथ डांस हो रहा है, ठीक है, और इधर भी डांस हो रहा है। जी जी के बैठे हुए हैं अभी थक गए, ठीक है, इनको पूछते हैं गीता जयंती कैसी लगी आपको, मैम गीता जयंती कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। तो ये आप देख सकते हो गीता जयंती का पूरा आनंद उठा रहे हैं, ये आनंद उठा के घूम फिर के पूरा आनंद, और उधर डांस हो रहा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर की कुछ सीन क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, ओवरऑल मैंने वैसे सारा समझा दिया, ठीक है। उधर देखो कि क्या चल रहा है, ठीक है, उधर का सीन दिखाऊंगा, ये देख सकते हो आप मौसम, अगर आपने फोटो खिंचानी है यहाँ आ सकते हो, ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ उधर जो डांस चल रहा है, ठीक है, यहाँ से जाना नहीं चाहिए पर मैं चला जाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं चला जाता हूँ, और ये एकदम रथ के सामने दो जगह पे हो रहा है, इधर कल्चर ही है दूसरे वाला जो कल्चर मैंने बताया था, ठीक है, जो कौन सा हैदराबादी था, मैंने कौन सा था मद्रासी था, मेरे याद नहीं है अभी, ये याद नहीं है, ठीक है। इनके यहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे कर रहे हैं अपना ढोल के साथ, पहले यहाँ डांस हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले रात को यहाँ शिप पर कुछ हो रहा था, ठीक है, अभी ये चेक कर सकते हो, पूरा एंजॉय कर रहे हैं अपना, यहाँ पे भी डांस हो रहा है, ठीक है ना, अभी सेटअप है यहाँ थी, अभी शायद इनका यहाँ पे डांस है, और आई होप थैंक यू, तो अभी इनका डांस होगा शायद यहाँ पे, अभी लेट हो रही है, ठीक है, और इनका डांस अभी थोड़ी देर लेट होगा, इतने मैं और जगह रहता हूँ, अभी इनका पहले पूरा ख़त्म होगा, उसके बाद यहाँ पे डांस होगा इनका, ठीक है, जो आपने अभी गर्ल्स देखी हैं, ठीक है, और ये कौन सा डांस करने वाले हैं मुझे पता नहीं क्योंकि ये जल्दबाजी में थे, ठीक है, और ये अभी डांस करके वो मैं दिखा दूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ जो कल मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि एग्रीकल्चर कल्चर आ गई है, उसके एकदम सामने आपको मिल जाएगा ये चीज़, ये वैसे आप ब्रह्मसरोवर पे आओगे आपको वैसे ही देखने को मिल जाएगा, ये मैं आपको कल शाम को भी दिखाया हुआ था, यहाँ पे जड़ी बूटियों का जो भी है शॉप नंबर आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो कृषि दर्शन, ठीक है, ये सारा यहाँ कल सैकल खड़ा हुआ था, मैंने आपको वो भी दिखाया था, ठीक है, ये किसने खेती बाड़ी के बारे में ये मैंने कल सारा कवर कर लिया था। तो चलो फिलहाल हम बच्चा जड़े से खेल रहे हैं, तो चलो फिलहाल हम आगे चलते हैं, इनका कुछ प्रोजेक्टर अगर आपने सीखने हैं तो यहाँ पे है सिस्टम, ठीक है, तो चलो हम वहाँ चलते हैं और आपको कुछ नया दिखाते हैं। आपने पहले अभी हरियाणवी यहाँ चल रहा था, यहाँ काफ़ी भीड़ थी, वहाँ पे अब हो रहा है डांस, पर वो हो रहा है गाने पे, तो वो चीज़ मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, एक काम करते शूट करते हैं और उसका बैकग्राउंड का साउंड ख़त्म कर देंगे, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ठीक है, पहले वही दिखा देता हूँ ना, और ये बाद में कवर करेंगे, ठीक है, और उधर गाने चल रहा है, तो चलो अब उधर जाते हैं और भाग के जाते हैं जल्दी जल्दी लेट हो जाए, तो इसको मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ, सीधा वही दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये देख सकते हो इधर प्रदर्शनी जो आपको मैंने पहले दिखाई है, एंजॉय चल रहा है, मिलने को एंजॉय, अगर आपने भी करना तो आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आपने नहीं कर सकते, ठीक है, चलो कहर वाला जहर, ये भाई भी शूट कर रहे हैं, कौन सी न्यूज़ से आप दिखा देते हैं,
शूट कर रहे हैं और हम भी शूट कर रहे हैं, हम भी शूट कर रहे हैं और ये बहुत बढ़िया एंगल से कर रहा है। इधर से धूप आ रही है, इधर से धूप आ रही है, जिससे कम भाई कहते हैं आज अपन आ जाएंगे यार पूरा पूरा वो कर रहे हैं सेल्फी स्टिक से, हम कर रहे हैं ट्राईपॉड से। बाकी बढ़िया है ओवरऑल जो देखते हो भी प्रदर्शन सारे देखते हैं। अब हम जा रहे हैं पर्ली परिसर, ठीक है, और इधर एरिया सही नहीं आ रहा। अगर मैं पर्ली सर से शूट कर कम करता हूँ वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे पर्ली एरिया। ओह 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 जिंदाबाद। तो चलो फ्रेंड्स आगे चले, उधर देखते हो पगड़ियाँ बांध के फोटो खिंचा रहे हैं। तो अब हम आगे जा रहे हैं, आगे जाएंगे डांस दिखाने वाला हूँ। उस डांस के पीछे मैं साउंड कम कर ख़त्म कर दूंगा और बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक लगा दूंगा कोई भी, क्योंकि वो चलना है गाने पे, मतलब कि गाने कॉपीराइट स्ट्राइक मुसीबत का घर गाने। तो डांस दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ये डांस मैं फॉरवर्ड में निकाल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में जो सॉन्ग चल रहा था वो मेरी कौन से बात था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कोई फ्योरी लैंग्वेज में था और हैदराबादी था, अपनी हैदराबाद का था, तो पता नहीं मद्रासी था, पता नहीं कौन सा था सॉन्ग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे उस सॉन्ग का कॉपीराइट स्ट्राइक तो डेफिनेटली आता। इसके बाद हरियाणवी सॉन्ग हुआ था, उसके बाद मैंने उसका भी सॉन्ग काट दिया, पर आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के सुनाता हूँ और दिखाता हूँ। तो वीडियो एंड तक देखें और वीडियो का एंड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि ये फोटो में खिंचा रहे हैं, ठीक है, ये एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे अपनी फोटो में कंसंट्रेट करो फोटो कैमरा मैन। तो ये फोटो में खिंचा रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगेंगे काफ़ी बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे फोटो में खींच रहे हैं, ठीक है, ये देख सकते हो सारे।
ओ बंदा चेक कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये काफ़ी गीता जयंती को एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे ही स्टैचू अंदर भी लगे हुए हैं जो काफ़ी जने फोटो खींच रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो वहाँ पे भी आपको फोटो में खींचते हुए नजर आ रहे हैं ये, ठीक है। काफ़ी बड़ा डांस दिखाया, वो मेरे पॉन्स से बाहर था, मतलब कि जो पीछे सॉन्ग चल रहे थे वो नहीं समझ में आ रहा, हरियाणवी की बात नहीं कर रहा, उससे पहले जो चल रहा था जो तीन लड़के डांस कर रही थी वो सॉन्ग मेरे ख्याल से दूसरी जगह था, मद्रास का पता नहीं, तमिल का, हैदराबाद का था, पता नहीं कहाँ का था। वो सॉन्ग पे कॉपीराइट रखा गया था दोनों का, मैंने कवर तो दोनों कर लिया पर बैकग्राउंड में से म्यूज़िक की जगह, गाने की जगह मैंने म्यूज़िक लगा दिया, पता नहीं उसके साथ तालमेल कैसा बैठा होगा कैसा नहीं बैठा होगा, पर मैंने बस कवर करना, थोड़ा डांस दिखाना था, दिखा दिया। अब हम शॉप नंबर जा रहे हैं 562 पे, ठीक है, और उसमें 5 मिनट का देख लेंगे, अगर कुछ ज़्यादा खास हुआ तो कर लेंगे कवर, नहीं तो शॉप नंबर तो कवर कर ही लेंगे। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और डांस आपको मैंने दिखा दिए, और वीडियो आज की भी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और थी वो कल की वीडियो में दिखा दूँगा जो कि अच्छी थी, मुझे लगी अच्छी, क्योंकि वो साइंस से रिलेटिव ही थी, ठीक है, वो कल कवर कर लेंगे, 10 दिन पड़े अभी। और आज की तारीख अगर देखी जाए तो आज की तारीख है 4, गीता जयंती का सही जो शुरू हुई है, यहाँ पे सिंगर आने स्टार्ट हुए हैं, बल्कि जो सेलिब्रिटी सिंगर है जैसे कि गुरदास मान जी, ये तो ये 3 तारीख से स्टार्ट हुए और 8 तारीख तक ये कंटिन्यू आएंगे, बल्कि डे बाई डे जिनका नाम है जो मैंने आपको और वीडियो में दिखा दिया है, ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं शॉप नंबर 562, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप गीता जयंती पे आते हो तो कोशिश करो कि आप गंद ना डालो, अगर बेर खाने हैं तो उसके साथ एक खाली लिफाफा एक्स्ट्रा ले लो, ताकि गिटियाँ उसमें डालो, ताकि उसको डस्टबिन में डालो, बस यही था। तो चलो अब थोड़ी बैक कैमरा चला देता हूँ। ये हम जो जा रहे हैं सेकंड नंबर गेट, ये गेट नंबर फर्स्ट उधर है और इधर गेट नंबर सेकंड है, ठीक है। सेकंड नंबर गेट के पास हम जा रहे हैं और इसके पास ही आपको ये शॉप मिल जाएगी जो कि इधर शॉप हैगी है 500 कुछ, और अभी का वेदर देख सकते हो कितना बढ़िया है, ठीक है। इधर गर्ल्स देख के ये थक चुकी हैं, बैठी हुई आराम कर रही हैं, बाकी गेट नंबर 2 उधर, और ये भाई अपने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चल रहे हैं, ठीक है, अभी हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और हम जाएंगे 562 नंबर शॉप। ये भी चल रहे हैं, अगर डीजे चले तो मैं गाना बंद कर दूंगा, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है अगर गाने चलते हैं तो, गाने के कारण मैं वीडियो बंद कर दूंगा और वहाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दूंगा, तो वो तो आपको रूल्स पता ही है मेरे, रोज ही बताने की जरूरत है नहीं। तो बस जाएंगे 562 नंबर शॉप पे, जो कि मैंने आपको पहले बताई है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 562 नंबर शॉप पे हमने जाना है, और ये शॉप नंबर है 47, जी चेक कर सकते हो, 48, ठीक है। तो बस हम आगे जाएंगे और बस आगे जाके हम उसका इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। कल की वीडियो के लिए मैंने वो चीज़ रख ली कि हाँ मैं कल को वो आपको दिखा दूंगा, कल की वीडियो में वो दिखाऊंगा जो कि था, कि उसमें कुछ साइंस का था, कुछ बनाया हुआ खुद, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने दिखाया होगा जो डे 11 की थी, उसमें जैसे साइकिल चलाओ तो कुछ जुगाड़मेंट था, उसकी पूरी डिटेल लेंगे हम, पूरी डिटेल लेंगे। और अभी हम आगे जा रहे हैं शॉप नंबर एंड की तरफ, मतलब वीडियो बस अभी यहाँ एंड कर देंगे, और आई होप कि आपको पता लगेगा कि भंगड़ा कहाँ कहाँ होता है, मतलब कि डांस कहाँ कहाँ होना है, 2-3 जगह है जो कि मैंने आपको दिखा दी यहाँ जहाँ डांस होना है। तो अभी चलो चले फोटो ले, पर फोटो लेने का फ़ायदा नहीं है, हाय कर रहे हैं, हाय भैया कैसे हो, ठीक है ना। तो चलो सबको दूसरा काम अच्छा लगता है, जब आप वीडियो बना रहे होते हैं सारा फोकस हमारा रहता है कैमरे में, पर लगता है कि हाँ अभी सारा फोकस इन्जॉय वही कर रहा है, क्योंकि वीडियो में ऐसे लगता है, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं हमारा सारा फोकस ध्यान रहता है कि कभी बैकग्राउंड में गाने ना आ जाए, या फिर कोई किसी चीज़ गलत ना आ जाए, अरे गलत तो क्या आएगा, पर फिर भी 562 नंबर शॉप है जो कि शांति का संदेश देते हैं। भाई इसका कमेंट आया था सनी को मिलने के लिए, और सनी यहाँ पे नहीं है, ये भाई है, भाई का नाम मैं भूल गया, भाई अभी बताया था, भाई आपका नाम क्या है, हिमांशु भाई है, ठीक। नंबर शॉप 562 नंबर शॉप मैंने कवर कर ली, बैकग्राउंड में साउंड चल रहा है, तो चलो आगे चलते हैं और वीडियो का एंड करते हैं। ओवरऑल शांति का वो हमने 6562 कवर कर लिया, अब मैं आगे जा रहा हूँ और एंड करेंगे और वीडियो का एंड करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बतानी है मुझे, वो खाते खाते बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्कूल भी काफ़ी आते हैं बीच में, ये स्कूल भी देख सकते हो, और भाई का मैसेज आ रहा है कि भाई स्कूल कवर कर लेना, भाई स्कूल का टाइमिंग पता नहीं मैं होऊंगा वहाँ पे, नहीं हो पाऊँगा। और यहाँ पे कई मतलब कि लड़कों ने बहुत इंजॉय किया, मैं बता देता हूँ, अभी जैसे डीजे लगे थे, उन्होंने डांस किया, खूब डांस किया उन्होंने, आपको वो भी एरिया दिखा दूंगा,
और बैकग्राउंड में म्यूजिक तो लगा ही दूंगा, मेरे बैकग्राउंड में शोर आ रहा है उसके लिए सॉरी। और चलो अब जहाँ डांस हो रहा था वहाँ पे शॉर्टकट स्टॉप करके ले जाते हैं। और यहाँ पे ओवरऑल सारी गीता जयंती लग चुकी है अच्छे से, प्रोफेशनली लग चुकी है, सारी शॉप्स फुल हो चुकी हैं, अभी कोई भी शॉप आपको खाली नहीं मिलेगी। तो चलो अब जो डांस कर रहे थे सारा इंजॉय कर रहे थे वो भी आपको इंजॉय कर दे आधे बैकग्राउंड में साउंड लगा के। और हाँ गाने चलने के कारण वजह से मैंने आवाज़ कम कर दी थी, काफ़ी जने बच्चे जो आ रहे थे लड़कियों ने एंजॉय किया, पूरा एंजॉय किया। और बीच में स्कूल भी आए हुए थे, स्कूल का नाम नहीं पूछा क्योंकि मुझे याद नहीं रहना था और बैकग्राउंड में मैंने कुछ म्यूजिक लगाना था इसलिए थोड़ा फॉरवर्ड म्यूजिक आया। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो चलो आगे। मेरी बात सुन, उनकी ही बात सुन। ओवरऑल सारी शॉप्स लगी है, पूरी गीता जयंती लग चुकी है और 8 तारीख तक ये ज़्यादा रहेगी, उसके बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी, 9 और 10 को कम रहेगी। और 8 तारीख को सबसे ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे क्योंकि संडे पड़ता है। और आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अभी हम जा रहे हैं 712 नंबर शॉप पर क्योंकि मुझे लगी है भूख, तो आज क्या खाएंगे वो मैं कल की वीडियो में बता दूँगा कि आज हमने क्या खाया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो और अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स ये है चैनल मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप स्विमिंग की वीडियो तो देखते देखते साथ में गीता जयंती भी देख रहे हो, या टेक्निकल लवली मनी जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ और गैजेट की टेक्निकल से नॉलेज देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, थैंक यू।